एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक पम्बासा में स्थित सेरखा सराय गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 10 किलोमीटर है तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 22 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने केसर जहां को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 9000 की आबादी एवं 4780 वोटरों वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में 2000 राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव की प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 210 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 70 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 12 हैंडपंप रिबोर कराए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 200 विद्युत पोल, 3 विद्युत ट्रांसफार्मर, 51 स्ट्रीट लाइट व 10 सोलर लाइट भी लगी हुई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 25 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली व प्याऊ का निर्माण कराया गया है। साथ ही वर्तमान प्रधान के देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों का भी निर्माण कराया गया है। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत घर, विद्यालय, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 30 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं प्रधान भाई मोहम्मद उवैस अंसारी, ग्राम पंचायत शहर का सराय, ब्लॉक पम्बासा संभल। जैसा कि हमारे ग्राम निधि में लगभग 2 साल करीब हो चुके हैं, जितना पैसा आया है टोटल वो पैसा हमने विकास कार्य में किया है। विकास कार्य जैसे कि सीसी टाइल्स सड़कें लगभग 25 से 30 हम लोग कर चुके हैं और एलईडी लाइट जो बिजली पोल पर लगाई गई हैं वो लगभग 51 लाइटें हम लोग गांव के अंदर लगा चुके हैं। और जैसे कि जिन लोगों के घरों में शौचालय नहीं थे तो हमने गांव के अंदर जा कर के उनके घर चेक करके किए हैं। तो जहाँ शौचालय नहीं है वहाँ हमने शौचालय बनवा रखे हैं। लगभग शौचालयों की लिस्ट 54 लोगों की लिस्ट हम दे चुके हैं, वो शौचालय हमारे बन चुके हैं। और साफ सफाई को लेकर के हमारी ग्राम पंचायत में 3 सफाई कर्मचारी हैं, जिसमें के 1 सफाई कर्मचारी हमने खुद अपना एक पर्सनल रखा है, उसकी सैलरी हम अपने पास से देते हैं ताकि गांव वालों के लिए साफ सफाई हो सके ठीक से। और पूरी तरीके से हम लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं। और जैसे कि हमारे गांव के लिए हैंडपम्प की सख्त ज़रूरत है तो हम चाहते हैं अपने केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से कि हमारे गांव को लगभग 25 से 30 हैंडपंप दिए जाएं। और जैसे कि हमारा तालाब है, पूरे गांव का पानी उस तालाब में जा रहा है, तो हम उस चीज़ को लेकर के जैसे कि हमारे गांव के अंदर बिजली, पानी, सफाई, इस चीज़ की सख्त तो हमारे लिए ज़रूरत रहती है। इस चीज़ पे हम पूरा ध्यान देते हैं। हमारे गांव में जल निगम से एक टंकी दी गई है तो उसमें हमारे जल निगम के अधिकारी आए हुए थे, उन्होंने टंकी की जांच की है कहां लगनी है, वो हमने पूरी तरीके से सारी चीज़ें करा दी हैं, कागज़ भी हम लोगों ने उनको दे रखे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसमें काम शुरू हो जाए, पूरे गाँव वालों ये समस्या दूर हो जाए पानी की, ये हम चाहते हैं। जिस तरीके से हमने विकास कार्य किया है हम चाहते हैं कि जैसे पैसा हमारे गांव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आएगा हम वैसे ही विकास कार्य करते रहेंगे।